Hi guys, this is my first video on YouTube. Today we started our journey towards Nagaland Joko Valley. Hope guys will enjoy. फाइनली हम लोगों ने अपना जर्नी स्टार्ट कर दिया जोकू वैली के लिए। तो जोकू वैली जाने के लिए आप लोग को जोराबाद से नौगा वाला रोड लेना पड़ेगा और अभी हम लोग का नेक्स्ट स्टॉप नौगा होगा। नौगा बाईपास आगे, तो आप लोग को नौगा बाईपास से लामडिंग रोड लेना पड़ेगा। आप लोग को डोबागा से इधर कार्बी अलोंग साइड जाना पड़ेगा, दीपू साइड। तो फ्रेंड्स, अभी ऐसा सीन है, हम लोग डोबागा आ चुके हैं और यहाँ पर हम लोग ब्रेकफास्ट कर लिया और अभी हम लोग दिमापुर के और निकल चुके हैं। जोकू वैली के लिए हम लोग ने जो रूट लिया है वो आपके स्क्रीन के सामने दिया है और आप लोग भी ये रूट फॉलो कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, अभी का सीन ऐसा है कि हम 8 या 9 घंटा ट्रैवल करने के बाद फाइनली नागालैंड के अंदर एंट्री कर दिए। एंड यार, यहाँ की वादियाँ की खूबसूरती क्या ही बताऊँ, आप खुद ही देख लीजिए। हम लोग सुबह लगभग 5 बजे निकले थे, तो अभी 12:36 हो गया, तो अभी हम लोग लगभग कोहिमा के पास ही है। अभी नागालैंड में ही है, कोहिमा के 30 किलोमीटर के सामने ही है। इधर का सब प्लेस ही अल्टीमेट है। तो भैया जी, नागालैंड के पहाड़ियों का फुल लुफ्त उठाने के बाद हम चल दिए जखमा विलेज की ओर, जहाँ पे आज अपना नाइट स्टे भी है, प्लस वहाँ पे एक भाई भी वेट कर। तो देखते हैं आगे का सीन्स क्या होते हैं। तब तक के लिए आप भी जुड़े रहिए हमजा व्लॉग्स के साथ। अभी हम लोग जखमा आ गया और जखमा में हम लोग अपने दोस्त से मिल गया, विजो से। अभी हम लोग विजो के पास जाएगा। हम लोग ने नाइट स्टे का प्लान विजू भाई के यहाँ ही कर लिया। हम लोग थोड़ा फ्रेशन अप होके विजू भाई ने हम लोग को सामने कुछ ट्रेडिशनल प्लेस दिखाने के लिए लेके गए। तो चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। हम लोग अभी जगह में पहुँच गए, तो जगह में हम लोग विजू भाई से मिल गए। अभी ऐसे इधर चिल करने हैं। तो हम लोग गुवाहाटी से जगह में कितना बजे पहुँच गए, 5 बजे से अभी बज गया 4:44। जगामा कोहिमा से तकरीबन 20 किलोमीटर है और जोगो वैली से 3 किलोमीटर मन है। तो अभी हम लोग जगामा में स्टे कर रहे हैं। हमारा भाई विजो भाई, तो विजो भाई से हाय। तो अभी इधर ऐसे चिल करने के लिए ला लिया विजो भाई ने। जगामा विलेज में थोड़ा नज़ारा देख लीजिए, फुल्ली क्लाउडेड हो रहा है। जस्ट लुक एट द व्यू मैन। अभी टाइम हो चुका 4:45 और हम लोग जगह में पहुंच गया 3 बजे, 3 PM। हम लोग सुबह 4 बजे निकला था और हम लोग जगह में पहुंच गए 3 बजे। तो फ्रेंड, कल इवनिंग जखमा विलेज थोड़ा घूमने के बाद हम अपने विजो भाई के घर में चले गए और नेक्स्ट मॉर्निंग सुबह 9 बजे हम लोगों ने जोको वैली के लिए जर्नी स्टार्ट कर लिया। तो फ्रेंड्स, अभी हम जोको के पास में ही है, तो और 3 किलोमीटर बाद हम लोग का ट्रेकिंग शुरू होगा। तो अभी हम लोग आशिक, तुम्हारा नाम क्या था? आशिक। और ये है आर्यन। तो हम अभी हम लोग आर्यन के घर में गाड़ी पार्क कर दिया, तो अभी सब कुछ रेडी हो रहा है। तो तुम लोग हाय बोलो। हाय। शर्म लग रहा है क्यों? दोनों भाई। तो चलते हैं अभी हम लोग। हाँ, बाय बाय।
पुराना जमाने का टीवी इधर से पी देखे। अभी तक तो 200 तक पहुंचा ही नहीं, अभी और जाना है पार्किंग पॉइंट तक, क्योंकि हम लोग गाड़ी पूरा नीचे छोड़ के आया 2 किलोमीटर, तो हम लोग पार्किंग से और 2 किलोमीटर से पहले से हम लोग ट्रैकिंग कर रहे हैं, तो अभी लगभग एक घंटा हो गया ऐसे रुक रुक के है ना। अभी देखिए हाय गाइस, तो अभी हम लोग को मिल गया जोको वैली में का जाने का ऊपर का रास्ता, अभी इधर से ट्रैकिंग शुरू होगा और हम लोग का कुछ भाई लोग से मिल गया अभी, तो और अच्छा लगेगा अभी एक साथ ट्रैकिंग करेगा। हाय हाय कर दो। तो अभी ट्रैकिंग। हाँ तो गाइस आई एम सॉरी क्योंकि मैंने क्रॉक्स पहन के ट्रैकिंग किया, आप लोग ये गलती मत करिए, आप लोग शूज पहन के ट्रैकिंग कीजिए और साथ में एक्स्ट्रा सॉक्स भी रखिए। मैंने इसलिए क्रॉक्स में ट्रैकिंग किया क्योंकि मैं क्रॉक्स में ज्यादा कंफर्टेबल हूँ। और आप लोग ट्रैकिंग करते समय खाने का सामान रखिए, वाटर कंपलसरी है। और गाइस ट्रैकिंग करते समय एक चीज ध्यान में रखना, पैर देते समय देख के देना क्योंकि ये पूरा थोड़ा अगर स्लाइड हो जाएगा आप पूरा नीचे पूरा जानना में आप पूरा नीचे चला जाएंगे, तो थोड़ा देख के ट्रैकिंग के नीचे देख के, हाँ कुछ भी चीज रह सकता है तो नीचे देख के, क्योंकि जंगल है ना पूरा घना जंगल, आप लोग देख लीजिए। गाइस दिस इज हेवन ऑन अर्थ। अच्छा कैसा लगा भाई? अमेजिंग ऑसम के जोगो वैली लव। तो गाइस अभी ट्रैकिंग करते करते थोड़ा ऊपर पोज किया साइड से, अभी ऐसा दिखा दे रहा है और कितना ज्यादा तब से ट्रैकिंग ही कर रहा है। तो फ्रेंड्स आप लोग को जोगो वैली जाने के लिए 2 ट्रैकिंग पॉइंट मिलेगा, एक मिलेगा आप लोग को जगामा से और एक मिलेगा आप लोग को विजामा से। तो हम लोग ने विजामा से ट्रैकिंग किया क्योंकि जगामा थोड़ा डिफिकल्ट है, तो आप विजामा से ट्रैकिंग करिए। हम लोग लगभग पहुंच ही चुके हैं और जो है इधर ही साइड हम लोग स्टे करेगा, अभी नज़ारा कुछ ऐसा है। शाम ही हो गया ट्रैकिंग करते करते फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स अभी हम लोग इधर पहुंच गए जोगो वैली में, तो अभी सब फॉगी है और थोड़ा देर भी हो गया और हम लोग थोड़ा फ्रेश हो गया, पेट से धुला इसलिए दिखा नहीं पाया, लेकिन कल सुबह आप लोग को सब कुछ दिखा देंगे, अभी हम लोग भी थोड़ा रेस्ट लेंगे। सो गुड मॉर्निंग गाइस, आज के दिन की शुरुआत होती है बहुत ही प्यारी सी म्यूजिक के साथ जिससे कि हमें बहुत सारी पॉजिटिव एनर्जी मिली, तो हम सोच चुके हैं ना इस पॉजिटिव एनर्जी के साथ चल देते हैं जोगो वैली को एक्सप्लोर करने, तो हम चल दिए। जोगो वैली से अभी निकल है और अच्छा अच्छा प्लेस है। मॉर्निंग गाइस, तो अभी हम जोगो वैली के थोड़ा नीचे ट्रैक करके आए हैं 3 किलोमीटर, तो अभी सुबह के 9:30 बज गया और हम लोग सुबह 7:30 बजे जोगो वैली जहाँ पर स्टे किया था उधर, तो उधर से 3 किलोमीटर नीचे, आप लोग भी नीचे आ जाए वैली को थोड़ा देख लीजिए, ये कैब है और ये नज़ारा। अभी हम जोगो वैली का नीचे से ट्रैकिंग करके आ गए, तो अभी और डोमेट्री का इधर आ गए, थोड़ा रेस्ट लेते हैं, अभी इधर रेस्ट लेके थोड़ा मैगी सेगी खा लेते हैं, अभी खा रहे हैं, उसके बाद हम लोग और ट्रैकिंग करके नीचे तक जाएगा गाड़ी जहाँ पर है हम लोग का, उसके बाद हम लोग बोर्ड में स्टे करेगा, उसके बाद कल घर निकल जाएंगे। सो फ्रेंड्स एंजॉय, बाय बाय जोगो वैली, बाय बाय। सो गाइस हमजा ब्लॉक में बने रहने के लिए धन्यवाद, और यहाँ से हमारा जोगो वैली का सफर खत्म हुआ, एंड दिस इज माय फर्स्ट वीडियो ऑन यूट्यूब, फॉर मोर ट्रेवलिंग वीडियो कैन डू लाइक शेयर सब्सक्राइब, और अगर मेरा कुछ गलती हुआ वीडियो में तो आप लोग मेरा कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं और मैं नेक्स्ट टाइम गलती को सुधरने का कोशिश करूंगा। सो गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लविंग एंड कीप चिलिंग।
should fuck her in the best.